नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार रुड़के मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक खास कार्यक्रम 15 अगस्त के लिए आइए बात करते हैं तनुज राठी जी, वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? सबसे पहले सर, फरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये पंक्तियां कही थी। मैं अपने देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि देश के अंदर एक शांति बनाए रखने का एक संकल्प ले। इस 15 अगस्त को 73वां स्वतंत्रता दिवस बन रहा है, आजादी का पर्व है, हम सबको एकजुट रहना है, एक साथ मिलकर रहना है, खुश रहना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक में से एक, क्योंकि ये आजादी हमारे जो सब लोगों ने आजादी की लड़ाई जो लड़ी थी, हजारों लोगों ने अपने प्राण दे दिए, जिनका आज नाम, कुछ लोगों का नाम भी नहीं है, पता लग पाए कि आजादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, कितना बलिदान उन्होंने सहा है। जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और हमारे इतने देशभक्त हुए हैं कि जिन्होंने अपने खून से इस आजादी को सींचा है। आपको इस आजादी के महत्व को समझना चाहिए। ये आजादी हमें मिली है सुख शांति समृद्धि से देश को आगे बढ़ाने के लिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने के लिए ही हमें आजादी मिली है, कि ना कि आपस में मनमुटाव पैदा करने के लिए हमें आजादी मिली है। धन्यवाद। चलिए, राठी जी ने बताया कि युवाओं को एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि देश सबका है और देश के लिए काम करना चाहिए। नितिन कुमार रुड़की हब से। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं नितिन कुमार रुड़के हब में आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं युवा नेता कुलदीप तोमर जी। आइए उनसे बात करते हैं 15 अगस्त के मायने क्या हैं और क्यों खास है 15 अगस्त। सर, आपका स्वागत है रुड़की हब के स्टूडियो में और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के मायने क्या हैं और अब की जो 15 अगस्त है वो क्यों खास है। सर, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। नितिन जी, जो 15 अगस्त है इसका मायने की अगर हम बात करें तो इसके मायने में हमारा कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे देश में लगभग 7,32,000 क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। और इसका जो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वास्तव में ये हमें आज़ादी का दिन है, हमें आज़ादी मिली है। हम इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार और हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार इसी दिन हमें मिला है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है, वहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो आज़ादी का माहौल बन गया है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अब की 15 अगस्त के क्या मायने हैं कश्मीर के हिसाब से। इस बार जो कश्मीर में हमें आज़ादी मिली है, वास्तव में पूर्ण रूप से आज़ादी हमें अभी मिली है, क्योंकि धारा 370 और 35A के होने के कारण वहाँ पर जो जो हमारे देश में लोग आम जनता को स्वतंत्रता के अधिकार मिलते थे, अपने मौलिक अधिकार मिलते थे, कानूनी अधिकार मिलते थे, वो वहाँ पर नहीं मिलते थे, क्योंकि धारा 370 होने के कारण वहाँ पर दो संविधान, दो विधान, दो झंडे हुआ करते थे, जिस कारण से वहाँ पर लोग बाग दोहरी नागरिकता में जीते थे और अपने देश की मूल धारा से वे वंचित थे। धारा 370 के हटने से वहाँ पर अब एक संविधान, एक देश, एक विधान, एक झंडे के अंतर्गत सभी आ रहे हैं, सभी को एक कानून के अंतर्गत लिया गया है और आए हैं। वे निश्चित तौर पर 370 के बाद में उनको आज़ादी मनाने का अवसर अब मिला है और ये पूरे हर्षोल्लास के साथ में और सुदृढ़ता के साथ में वहाँ पर ये 15 अगस्त मनाई जाएगी। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और रुड़की वासियों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारे देश में दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही है, आप भी अपने परिवार में, अपने घर में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में 15 अगस्त पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें और एक ऐसे संदेश फैलाने की कोशिश करें कि हाँ, लगे कि हाँ, हम आज़ाद हुए हैं और हमारा देश तरक्की कर रहा है। चलिए, हमारे साथ थे कुलदीप तोमर, युवा नेता हैं, उन्होंने अपने अच्छे विचार रखे नितिन कुमार रुड़की हब से। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं नितिन कुमार रुड़की हब में आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ हैं युवा नेता योगी रोड। आइए उनसे जानते हैं कि 15 अगस्त को उनका क्या कहना है और क्या मायने हैं 15 अगस्त के उनके व्यू से। चलिए बात करते हैं उनसे। सर, 15 अगस्त यानी 73वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर बनाया जा रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को? मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ।
73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। 73वां स्वतंत्रता दिवस आज संपूर्ण देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस अनेक शिक्षण संस्थानों देश में लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराकर इसको धूमधाम के साथ मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के एक निश्चित समय अंतराल में हम उसको गाथा को नहीं बता सकते, क्योंकि वह एक महान गाथा है जिसमें अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं देश के युवा वर्ग से कहना चाहता हूँ कि वो एक दूसरे से जुड़कर रहें, अपितु बटकर ना रहें। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 को ख़त्म किया गया, उसका मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और संपूर्ण देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज जम्मू कश्मीर भी अखंड भारत का हिस्सा है और वहां पर भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। योगी जी, लाल चौक पर पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके बारे में क्या ख्याल है कि तभी सोच लिया था कि मुझे लाल चौक पर झंडा फहराना है 370 हटाकर? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा जब निकाली थी, तब मेरे हिसाब से याद है मुझको कि उन्होंने तिरंगा लाल चौक पर फहराया था। आज जब वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने धारा 370 को ख़त्म करके वहाँ पर पुनः आज़ादी के रूप में ध्वजा रोहण का जो सपना देखा था वो पूर्ण हुआ है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि उन्होंने जो उस बिंदु को लेकर चले हैं और अखंड भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर को बनाया है, वो आज सपना साकार हुआ है। चलिए, हमारे साथ थे युवा नेता योगी रोड जी, जिन्होंने अपने सुंदर विचार रखे 15 अगस्त को लेकर। नितिन कुमार रोड की हब से। जय जय जय।